हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि SSC CHSL 2021 से में एडमिट कार्ड जो आया है उसको डाउनलोड कैसे किया जाएगा और किस किस रीजन के एडमिट कार्ड आया है, वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और उस रीजन के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो अगर आप हमने वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अपडेट जो है आपके लिए फ्री में मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने आपको आपको मैं गूगल ओपन कर देता हूँ और गूगल ओपन करके मैं सारा प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ। आपके पास जो भी फ़ोन में आपके जो ब्राउज़र है वो आप ओपन कर लीजिएगा। हर एक चीज़ मैं आज आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ, लाइव प्रूफ के साथ भी। तो सबसे पहले देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गूगल को खोल लिया है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे SSC CR। जैसे आप सर्च कीजिएगा आपके सामने जो है SSC का एक नया जो है एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हर एक रीजन के आपको जो है हर एक रीजन के आपको जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड CHSL CGL या फिर MTS के हर एक रीजन के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट भी जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। यह एक नया वेबसाइट है SSC का, जिसमें आप हर एक रीजन के आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने जो है इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन होगा। ये थोड़ा लोड ले रहा है क्योंकि इस पर बहुत चीज़ जो है स्लो अभी वेबसाइट काम कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो ओपन हो गया है और आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे आप रीजन वाइज आप जो है यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है रीजन जो है हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक जो है आपको रीजन के यहाँ पे मिल जाएगा, नॉर्थ रीजन को, सेंट्रल रीजन को, ईस्टर्न रीजन को, और मैं आपको दिखा देता हूँ वेस्टर्न रीजन को, साउथ रीजन को, नॉर्थ वेस्ट रीजन एट चंडीगढ़ का आप देख सकते हैं, कर्नाटका का आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन का देख सकते हैं, राजपुर MRP का भी देख सकते हैं, और आप जो है दिल्ली का भी देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पे हर एक रीजन के आपको जो है यहाँ पे जो है रीजन वाइज जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने वेबसाइट जो है आपका सारा लिंक यहाँ पे आपको वेबसाइट पे सारा वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो किस किस जो है रीजन के एडमिट कार्ड आए हैं और उसको डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मैं इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेता हूँ कि आपको जो ईजी लगे। मैं फिलहाल जो है डेस्कटॉप मोड पे है और मैं यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट से शुरुआत करूँगा नॉर्थ रीजन न्यू दिल्ली NCT। आपको मैं बता दूं ये स्टेट जो है NCT राजस्थान उत्तराखंड का है। मैं इस पर क्लिक करूँगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये जो है हमारे सामने जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन होगा। तो आप जो है यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं ये जो है अभी अभी जो ओपन नहीं हुआ है। ये यहाँ पे जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है CHSL का है, ये जो है अभी जारी नहीं किया गया है। नॉर्थ रीजन का उत्तराखंड वाला मैंने जो आपको खोल के दिखाया है। चलिए तब देखते हैं दूसरे वाले को। और यहाँ पे दूसरे वाला जो है मैं यहाँ पे जो है सेंट्रल रीजन उत्तराखंड एंड बिहार वाला पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे खोल लिया है और यहाँ पे जो है स्किप का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है अभी तक उस रीजन के अभी जो है एडमिट कार्ड नहीं जारी किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे रीजन के। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश वाला हो ही गया है। अब नीचे हम चेक करेंगे जो है ईस्टर्न रीजन जो है कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल सिक्किम उड़ीसा झारखंड आंध्र एंड वाला जो है ये वाला जो है इसको हम ओपन करेंगे इस वेबसाइट को। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इसका कुछ ऐसा होम पेज जो है ओपन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो कोलकाता का जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है
सीएचएसएल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। ये जो है 22 जुलाई का एडमिट कार्ड आया था और इसमें डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कैंडिडेट का आपका नाम चाहिए और इसका डेट ऑफ बर्थ, और ये जो है इसको जो है इस कैप्चर को जोड़कर उसके बाद आपको जो है नीचे आपको नेक्स्ट कर देना। जैसे आप नेक्स्ट कर दीजिएगा आपका एडमिट कार्ड जो है चेक होकर आपका जो है ई एडमिट कार्ड भी जो जारी किया गया है, आपका जो है ई एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। सो अब चलिए देखते हैं अगले कि अगले क्या हमको ओपन करना है। तो हम यहाँ पे जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आ जाना है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं जो है यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है एसएससी के यहाँ पे आ गया हूँ। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जो है हम चेक करेंगे वेस्टर्न रीजन एट मुंबई। इसमें आपको महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और आपको यहाँ पे जैसे इसके वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो है इसका होम पेज कुछ ऐसा ओपन होगा। आपको इसको कट कर देना है। ये जो आप देख सकते हैं वेस्टर्न रीजन का जो है हमने यहाँ पे वेबसाइट खोल रखा है और ये जो है मुंबई का वेबसाइट है। और हम यहाँ पे देखेंगे इसका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किया गया है कि नहीं सीएचएसएल का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अभी अभी एडमिट कार्ड इसमें अभी जो है जारी नहीं किया गया है। वेस्टर्न रीजन का जो मुंबई वाला है वो जो है अभी जो है इसका जारी नहीं किया गया है। चलिए अब देखते हैं अगले वाले पे कि अगला जो है हमारा क्या है। हम मुंबई वाला वेस्टर्न रीजन का ओपन करके आपको दिखाए हैं और अब चलिए हम दूसरे वाले वेबसाइट को हम चेक करते हैं। हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। आप हम वेस्टर्न रीजन चेन्नई वाला चेक करेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु वाला जो है स्टेट का हम चेक करेंगे। तो हम चलिए देखते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट चलते हैं, विजिट करते हैं क्या जारी किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो हमारे सामने जो है ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न रीजन चेन्नई। आप यहाँ पे नीचे आ सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है दिल्ली सब इंस्पेक्टर की जो है अभी निकाली गई है इसका नो। और उसके बाद अभी जो सीएचएसएल का जो है अभी कोई भी अपडेट जो नहीं आया है। अभी इस रीजन का भी एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया है चेन्नई वाला। तो चेन्नई का जैसे ही रीजन का जारी करेगा हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। और सारे जितने सारे स्टेट का जिसके जारी नहीं किए गए उसके वाले भी जो है जैसे रीजन का उस रीजन का जैसे ही आपको जारी किए जाएंगे हम आपको उसको जो है वीडियो बनाकर बता देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वैसे ही अपडेट आपको नहीं छूटे। अब चलिए हम चेक करेंगे नॉर्थ वेस्ट रीजन एट चंडीगढ़। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नॉर्थ वेस्ट वाला चंडीगढ़ का। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है ओपन कर दिया नॉर्थ वेस्ट चंडीगढ़ का। तो हम इसको कट करते हैं और यहाँ पे आपको देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट चंडीगढ़ का जो ऑफिशियल वेबसाइट हम लोगों ने ओपन कर रखा है। तो हम इस पर देखते हैं इसमें कोई एडमिट कार्ड कुछ आया है कि नहीं। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो कोई एडमिट कार्ड इस रीजन का जो है डाउनलोड करने का कोई भी अभी जो है सीएचएसएल का जो है नहीं आया है। जैसे इसका भी डाउनलोड होने लगा तो होगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। चलिए इस रीजन का जो है अभी जो है जारी नहीं किया गया है। तो चलिए आप चेक करते हैं दूसरे वाले पर। हम लोगों ने चंडीगढ़ वाला चेक कर लिया, अब हम जांच करेंगे कर्नाटक केरल रीजन बंगलोर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस स्टेट के अंडर ये आता है और आप जो है इस पर क्लिक कीजिएगा, एक्सेप्ट क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा कर्नाटक केरला रीजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप इसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, सबसे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो है सीएचएसएल 2020 के यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, ऐसा क्लिक कीजिएगा आपके सामने जो है ऐसा ऐसा ओपन हो जाएगा दूसरा सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डाल के उसके बाद आपको जो कैप्चर क्लिक करके यहाँ पे चेक अप्लीकेशन स्टेटस क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका अप्लीकेशन स्टेटस जो है दिखा देगा और आप चाहें तो दूसरे
दूसरे तरह से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, आपका नाम चाहिए और जो है आपके फादर का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके वजह से आप सर्च कीजिएगा तो आप जो है उसके थ्रू भी जो है आप चाहें तो जो है डाउनलोड अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले अगले रीजन का। तो हमने यहाँ पे आपको जो है कर्नाटक केरल रीजन का बताया है, और तो चलिए अब देखते हैं अब जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन गुवाहाटी का देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, टिक कर देता हूँ और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको जैसे ओपन करेंगे हमारे सामने जो है गुवाहाटी रीजन का जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी अगर यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो आपके सामने जो है आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोई भी जो है आपको इसको 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 जो है हम कट कर देते हैं कि आपको जो ईजी रहेगा देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका एडमिट कार्ड जो है जारी कर देगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेकेंड ईयर 10+2 2020 टायर 1। आपको डाउनलोड करें क्लिक क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने को जो है यहाँ पे जो है एप्लीकेशन स्टेटस और एडमिट कार्ड आपको जो डाउनलोड करने का प्रोसेस खुल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके उसके बाद नीचे आपको क्लिक हेयर स्टेटस एंड डाउनलोड पर क्लिक करें आपका जो एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगा। या आप जो है दूसरा यहाँ पे प्रोसेस आप जो है अगर आपके पास एप्लीकेशन स्टेटस और डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ आपके अगर भूल चुके हैं तो आपको जो दूसरा प्रोसेस भी आपको बताया गया है। आप यहाँ पे रोल नंबर और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के उसके बाद जो है आप जो चाहें यहाँ पे एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो है सेकेंड ईयर भी है आप जो है यहाँ पे दूसरा प्रोसेस भी आपको बताया गया है। तो आप यहाँ पे चाहें अगर वो भी चीज़ अगर भूल चुके हैं तो आपका जो है रोल कैंडिडेट का नेम डेट ऑफ बर्थ उसके बाद जो है आपका जो है नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। उसके बाद जो है क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक करके आप जो अपना जो है रजिस्ट्रेशन आईडी जान के उसके बाद उसको जो है आप जो यहाँ पे फिलअप करके और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करते हैं छोटी सी अपडेट जो है बहुत हेल्पफुल आपको लगी होगी। आप चलिए आप चेक करते हैं दूसरे रीजन का। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आ चुके हैं और नीचे हम क्लिक करेंगे और आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा एमपीआर रजिस्ट्रेशन राजपुर का जो है चेक करेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर चलिए हम चेक करते हैं क्या इसका भी सीएचएसएल का एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने के लिए कोई अपडेट आया है। तो यहाँ पे जो है आप नीचे आपको स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है अभी इसका जो है कोई भी अभी एडमिट कार्ड जो है सीएचएसएल का जारी नहीं किया गया है अभी इस वाले वेबसाइट पे। तो उसके बाद आपको चलते हैं किसी दूसरे वेबसाइट पे रीजन के हिसाब से चलते हैं। उसके नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो है दिल्ली हेडक्वार्टर दिल्ली जो है इस पर भी हम क्लिक करेंगे। अगर आप दिल्ली रीजन से आते हैं तो जो हेडक्वार्टर पर क्लिक किया जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है अभी ओपन नहीं हो रहा है, कुछ ये सेक्शन जो है ओपन कर रहा है। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी अपडेट आपको सारी रीजन को मैंने यहाँ पे प्रोसेस करके दिखाया है, वेबसाइट पे विजिट करके भी दिखाया है। आपको जिस जिस रीजन का जो है आपको डाउनलोड होंगे उस रीजन पे मैं क्लिक कर देता हूँ किस किस एडमिट कार्ड जो है किस किस रीजन के जो है अभी तक जारी किए गए हैं मैं यहाँ पे आपको मैं बता दूँ। तो चलिए देखते हैं किस किस रीजन के जो अभी जो है एडमिट कार्ड जो है जारी किए गए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कलकत्ता का जो है जारी किया गया है। उसके बाद आपको जो है कर्नाटका केरल रीजन के भी जो है जारी किए गए हैं। उसके बाद जो है इसका जो है नॉर्थ ईस्ट जो है रीजन एट गुवाहाटी जो है उसका भी रीजन का डाउनलोड करने का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। उसके बाद मैं बता दूं कि इसके बाद आपका जो है तीन रीजन का आपको जो है एडमिट कार्ड अभी जो है जारी किए गए हैं। आशा करता हूँ ये सारी अपडेट आपको जो है अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रही होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जैसे ही अदर रीजन के जो है अगर एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे तो मैं आपको सबसे पहले उसकी अपडेट मैं आपको दे सकूँ। तो इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जैसे ही
अदर रीजन के जो है डाउनलोड होंगे तो मैं आपको जो वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।